हेलो बच्चों, वेलकम टू सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास थर्ड क्लास के बच्चे आज हिंदी का पहला पार्ट पढ़ेंगे। ओके, और हमारा पहला पार्ट है कौन सिखाता है। आपको बताओ कौन कौन सिखाता है। आपको भी तो सिखाते हैं, आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, आपके घर में जो बड़े हैं वो सिखाते हैं, आपकी टीचर्स सिखाती हैं। ऐसे ही इन पक्षियों को, इन जानवरों को कौन सिखाता है। ये कविता इसी पे आधारित है कि हमें कौन सिखाता है। हमें कुदरत सिखाती है। कुदरत यानी हमारी प्रकृति, नेचर, वही हमें सिखाती है। ये कविता एक चिड़िया के माध्यम से है कि चिड़िया को कौन क्या सिखाता है, कैसे चिड़िया सीखती, कैसे ये जानवर बोलना सीखते हैं। आपको तो आपको बोलना, आपको चलना, आपका खाना पीना सारे आपके घर में पेरेंट्स करते हैं, आपके बड़े करते हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो करते हैं। लेकिन इन जानवरों को, इन पक्षियों को कौन सिखाता है? कुदरत सिखाती है। इसीलिए इस कविता को लिखा गया है। ये कहती है, कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना। कि इन चिड़ियों को चींची चींची हर करना कौन सिखाता है। हर जानवर की, हर मनुष्य की तरह बोली होती है, तो चिड़िया की भी बोली क्या है? चींची करना। इसलिए ये कहता है, कौन सिखाता है चिड़िया को चींची चींची करना। अर्थात चिड़िया को चींची करना मतलब बोलना कौन सिखाता है। कौन सिखाता? फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, उनको चल फुदक फुदक कर। आपने देखा है चिड़िया कैसे चलती है? आप भी अपने घर के देखो, आंगन में देखो, चिड़िया को दाने डालो, देखो कैसे खाती है, कैसे फुदक फुदक कर चलती है। वही कहते हैं कि कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। कि उनको फुदक फुदक कर चलना फिरना कौन सिखाता है। कौन सिखाता फूट से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। आप जानते हो चिड़िया उड़ती है, इसीलिए कहते हैं कौन सिखाता उन्हें फूट से उड़ना। फूट से आती है, बैठती है, खाती है और उड़ जाती है। अर्थात ये उड़ना उन्हें कौन सिखाता है। दाने जुग जुग खाना। और आप दाने डाल के देखना हो कि चिड़िया कैसे खाती है। तो वो दाने चुग चुग, एक एक दाना कैसे अपने चोंच में लेके धीरे धीरे खाती है। कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना। चिड़िया का घर कहाँ होता है? घोंसला। कहाँ होता है? पेड़ों पर। तो चिड़िया को, चिड़िया अपने घोंसले कैसे बनाती है? तिनकों के द्वारा, छोटे छोटे तिनके, छोटी छोटी सीख ला के वो अपनी चोंच में और उनको इकट्ठा करके पेड़ों के ऊपर घोंसले बनाती है। यही घोंसला उनका अपना घर होता है। तो कौन सिखाता तिनके लाला घर घोंसले बनाना। कि उन्हें कौन सिखाता है कि तिनके लाला कर अपने घोंसले कैसे बनाते हो, कैसे बनाओगे। कौन सिखाता है बच्चों का लालन प्यालन पालन उनको। कि उनको कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन करना। जैसे आपके मम्मी पापा आपकी आपकी देखभाल करते हैं, आपका लालन पालन करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, सब करते हैं। ऐसी चिड़िया कभी अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उनको खाना खिलाती है, उनकी रक्षा करती है। माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता है उनको। जैसे आपकी मम्मी आपको प्यार करती है, आपकी देखभाल करती है, वैसे ये चिड़िया भी अपने बच्चों को प्यार करती, दुलार करती है और उनकी दूसरे बड़े जानवरों से, दूसरे बड़े पक्षियों से उनकी रक्षा करती है। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती है। ये सब कौन सिखाता है? कुदरत सिखाती है। ये सब चिड़िया को कौन सिखाता है? ये कुदरत। तो कुदरत का यह खेल, ये सारा खेल किसका है? कुदरत का है। वही हम सबको सब कुछ देती। अब वो केवल चिड़िया को ही नहीं, हम सबको सिखाती है, हम सबको कुछ ना कुछ देती है। किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। लेकिन इसके बदले में कुदरत हमसे कुछ मांगती है? नहीं, कुछ नहीं मांगती। वो हमसे कुछ नहीं लेती है, बल्कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। जैसे पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, नदियों से हमें जल मिलता है, सूरज से हमें गर्मी मिलती है, इसी तरह कुदरत हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। लेकिन इसके बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं लेती। हम भी उसके अंश की, जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम भी उसकी, उस कुदरत के ही अंश हैं। जैसे ये तरु यानी पत्ता, पत्ते, पशु पक्षी सारे क्या हैं? कुदरत के ही अंश हैं, कुदरत से ही बने हुए हैं। उसी तरह हम भी उसके ही अंश हैं।
हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे, हम भी उसके ही वंशज हैं, जैसे सूरज चांद सितारे हैं वैसे ही हम भी उसके वंशज हैं। बच्चों आपको समझ में आ गई होगी ये पोएम कैसे है, आप भी देखना अपने घरों में चिड़िया कैसे आती है, कैसे कैसे फुर्रत से उड़ती है, कैसे दाना खाती है, आप भी ट्राई करना और इस पोएम को अच्छी तरह लर्न करना। ओके, इसके अब बाकी सारी चीज़ें इसको आपको व्हाट्सएप पे इसके क्वेश्चन आंसर सब आपको उसी पे मिलेंगे। थैंक यू।